हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो ये ब्लॉग जो है, कल का ब्लॉग यहाँ एंड किया था, वहीं से आगे का है। तो वैसे मैं करती नहीं, लेकिन मुझे याद आया कि मेरी सब्सक्राइबर जो हैं जानकी जी, उन्होंने मुझे बोला था कि आप जब मठे के आलू बनाएं तो ज़रूर शेयर करना। तो मैं अचानक बना ही रही थी आज दही वाले आलू, मठे के आलू, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ। तो मैंने ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ मैंने किया है घी, घी गर्म हो गया है, तो इसमें राई, जीरा और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्ची और करी पत्ता और हींग, ये चीज़ें डाल दी हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर। ये भूनने के बाद जले ना मसाला, तब तक हमें यहाँ बॉयल जो आलू है उनको थोड़ा सा मसल के डाल देना है। थोड़ा मोटा मोटा ही फोड़ना है, ज़्यादा बारीक नहीं फोड़ना, कि दही वाले आलू जो होते हैं ना, उन्होंने कहा था फट जाते हैं, फटने का डर रहता है, लेकिन मेरे आलू नहीं फटते हैं, बहुत अच्छी बनते हैं। और ये चीज़ मैं आपको जो बता रही हूँ, आज जो भी ट्रिप बताऊंगी, टिक्स बताऊंगी, वो बहुत बेस्ट है। और सब्ज़ी आपकी इतनी लाजवाब बनेगी कि आप हमेशा चाहेंगे कि मैं रोज़ ये सब्ज़ी बना के खाऊं। और ये सब्ज़ी बनाने के लिए आप घी का यूज़ करें, अभी हमेशा आप तेल में करते हैं, एक बार घी में ज़रूर बना के देखना। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी किया है, थोड़ा सा ही बिल्कुल, और इसमें अच्छे से बॉयल आने देंगे पानी में, सब यानी आलू में जो डालेंगे ना पानी, उसमें बॉयल आने देंगे। और तब उसके बाद में हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें दही या मठा। दही ले रहे हैं तो उसको अच्छे से फेंट के तब लीजिएगा, मैंने यहाँ मठा लिया है तो मैं मठा डालूँगी, लगातार इसको चलाती रहूँगी। बहुत से लोगों की सब्ज़ी जो है वो फट जाती है, यहाँ मैं दो आपको टिप्स बताऊँगी सब्ज़ी के कि फटेगी नहीं। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि फट जाती है, वैसे तो ऐसे भी नहीं फटती, आप लगातार चलाती रहें चलाती रहें। थोड़ा पानी पहले डाल दें और बॉयल आ जाए, उसके बाद में आप वो करें, नमक डालें। अब यहाँ पे एक टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा लीजिए मठा और उसमें आप एक चम्मच बेसन डाल दीजिए, बस एक चम्मच बेसन डालना, इससे आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। जैसे आपको लगता है कि नहीं तो भी फट जाती है, हम सिर्फ मठा दही यूज़ करते हैं, तो ये आप टिप्स करेंगे ना फॉलो, तो बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं फटेगी। एक चम्मच आप मठा या दही यूज़ करो, उसमें एक चम्मच बेसन डाल लें, उसको अच्छे से फेंट लें। यहाँ पे चम्मच से नहीं घुल पाया था तो मैंने विस्कर ले लिया है और इससे अच्छे से इसकी गुठली जो है फोड़ ली है। तो इसीलिए मैंने आपको दो तरीके बता रही हूँ, वैसे तो मेरा वैसी सब्ज़ी नहीं फटी थी, अच्छे से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद में आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं, यानी ये तरीके में दो बताए हैं, दो तरीके की वजह से आपको दो बार मैंने बताया, वरना आप जैसे मैंने पहले डाला था ना, तो आप पहले दही में बेसन घोल के ही डाल दीजिए, तो कभी फटेगी ही नहीं, बस लगातार चलाते रहिएगा उसको, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि मेरी सब्ज़ी पहले ही बॉयल हो चुकी थी, यानी पहले ही उबाल आ गया था बिना बेसन डाले, तो फटी नहीं थी, देख सकते हैं आप। तो अब मैंने डाला है इसमें नमक, नमक आप बाद में ही डालें। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया हरी मिर्ची, हरी मिर्ची मैंने बाद में डाली है क्योंकि इसमें हरी मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं अभी यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं फटी है, एकदम बढ़िया सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। तो ये चीज़ आप फॉलो करिएगा, सब्ज़ी कभी नहीं आपकी फटेगी, बहुत अच्छी बनेगी। और घी में छौंकिएगा, थोड़ा करी पत्ता भी डाल देंगे तो और टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ देखिए बस सब्ज़ी बहुत अच्छे से उबल चुकी है, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी सी अच्छी देर तक पकानी होती है, तभी टेस्ट अच्छा आता है। तो बन चुकी है, इसके बाद में मैंने यहाँ गैस बंद कर दिया, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए हमारी सब्ज़ी जो है वो बन करके हो गई है तैयार। ये हमारी यूपी की फेमस मठा के आलू, हमारी साइड ना, हमारी साइड क्या, ये मैनपुरी की तरफ बनती है बहुत ज़्यादा, दावतों में भी बनती है, तो ये बहुत फेमस है। तो यह सब्ज़ी हमारी बन के हो गई है रेडी। तो जी चलिए, अभी चल रहे हैं मंदिर, आप मैं एकदम से तैयार हो गई हूँ, खाना पीना बना लिया है मैंने, और मंदिर का विचार एकदम से बन गया। विचार बनने से गया कि ये गया था मम्मी के साथ मंदिर, और वहाँ इसको बहुत अच्छा लगा, सजावट हुई है ना, फूल बंगला सजा है मंदिर में, तो बोले मम्मा आज ज़रूर जाइए, आप ज़रूर जाइए, इसको मतलब जिद पड़ गया है। फिर मैंने कहा चलो, खाना तो बना लिया, खाया नहीं है, मम्मी वगैरह ने खा लिया, पापा ने खा लिया, और अभी हम लोगों ने नहीं खाया। मैंने कहा चलो फिर मंदिर बंद हो जाएगा, तो बस मैं हो चुकी हूँ तैयार, और चलिए वाली साड़ी मैंने पहनी है, देखिए आपको भी दिखाएंगे गाइस, भाई बहुत मस्त है। हाँ राघव कह रहा बहुत सुंदर, आपको भी दिखाएंगे, तो चलिए फटाफट से मंदिर चलते हैं। तो जी मैं पहुँच गई थी मंदिर, और यहाँ क्या हुआ था, जैसे हम मंदिर पहुँचे थे वो तो अच्छा हुआ कि राघव ने पहले ले रखा था, ये हनुमान जी का मंदिर है, तो थोड़ा सा श्रृंगार मिल गया देखने को, वरना श्रृंगार हटता ही जा रहा था फूल बंगले का, बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हुआ था, राघव देख रहा था, मैं तो देख ही नहीं पाई, मैं वीडियो में देख रही हूँ, और हट चुका था आधे से ज़्यादा, तो हट गया था क्योंकि बहुत लेट हो गए थे हम, लगभग 10 बजे के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आप बहुत खूबसूरत शंकर जी दुबला बने थे बिल्कुल।
यहाँ बेलपत्री से, पान के पत्तों से इनका श्रृंगार हुआ था, फूलों से, बेला के फूलों से, गेंदे के फूलों से श्रृंगार हुआ था। और बस अभी हम यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा नहीं थी, ये बच्चे लोग ये थे जो श्रृंगार उतार रहे हैं शंकर जी का। और ये है राधा कृष्ण की यहाँ पर प्रतिमा है विष्णु जी की, और राम परिवार है, दत्तात्रेय जी हैं, तो यहाँ ये सारी मूर्तियाँ हैं। और बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत अच्छा सा, यहाँ ये कांच वाँच का लग रहा है। राघव तो अंदर चला गया था क्योंकि पुजारी जी जो वो जानते हैं बहुत अच्छे से, तो वो चला गया था, उसने अंदर से शूट किया है ये। और यहाँ बहुत ही प्यारा सा भजन चल रहा था, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मुझे इतना पसंद है ये गाना ना, बस मैं वही गुनगुना रही हूँ और मस्त हूँ। बहुत ही आनंद एक की अनुभूति मिल रही है मंदिर में आकर के, सच में बड़ी शांति मिल रही है। और बहुत कम आती हूँ मैं, कहीं भी बहुत कम जाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और बस उसके बाद आके हमने खाना खाया, तो मैंने फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। और अभी यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है और यहाँ भी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना दोपहर से, क्योंकि सुबह से मैंने कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, वजह मैं आपको बताऊँगी क्यों नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ों पे प्रेस इनके थे, पापा के थे, तो बस थोड़ी देर बैठ के अपना यहाँ पे प्रेस करूँगी। हेलो एवरीवन, तो मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ कल से दोपहर में, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और प्रेस की है यहाँ पे अभी, ये देखिए कपड़े रखे हैं और प्रेस भी रखी है, मैंने रखी नहीं है, गर्म है। मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो भी स्टार्ट कर लेते, स्टार्ट किया, मतलब मैं गई थी आज हुआ ये, सोच तो नहीं थी सुबह से ही करती, बट हुआ ऐसा कि आज कल रात पूरी रात हमारे यहाँ लाइट नहीं आई, और लाइट भी सिर्फ हमारे ही फेस नहीं आया था, हमारे में बहुत सारे घर थे यानी हमारी गली के ही, उनकी लाइट नहीं आई थी, तो उस वजह से लाइट नहीं थी, तो फिर सारे काम समझ सकते हो कि क्या करें क्या ना करें। और रात में नींद भी पूरी नहीं हो पाई, इन्वर्टर जो है 4 बजे हो गया था बिल्कुल ख़त्म, 4 बजे तक चला था क्योंकि 3 पंखे तो चले, 3-4 पंखे चले थे, तो 4 बजे तक ख़त्म हो गया था, तो उस वजह से थोड़ी सी नींद भी वो हुई। और दूसरा क्या बोलते हैं, काम भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें बिना लाइट के। और रघुनंदन जी आ गए हैं स्कूल से, 2:30 बज गया, काफ़ी टाइम का गया, और स्कूल लेने मैं गई थी, इसने कहा था मम्मा आप आना, जिद कर गया था 2-3 दिन से, एक तो बुखार आ रहा था, तो कल तो ये रो गया था कि इसका ना बुखार की वजह से बॉडी में हो रहा था बहुत ज़्यादा पेन, और दूसरा गेम्स वगैरह हो रहा है, ताइक्वांडो वगैरह हो रहा है, तो से मेरे कंधे में है ना, उसमें उसके कंधे में दर्द हो रहा था, तो बैग इतने भारी भारी होते हैं बच्चों के, इसे लाया ही नहीं गया, और रोया जो आके कल ये इतना रोया मुझे लेने आया करो, मुझसे बैग नहीं चलता इतना परेशान। फिर आज इसके पापा बोले ठीक है मैं ले आऊँगा, मम्मी बोली कि मैं ले आऊँगी, तो इसके पापा कह के गए थे कि आज मैं ही ले आऊँगा, तो मैंने कहा ठीक है। फिर फ़ोन आता है कि मैं काम से बाहर हूँ और मैं नहीं आ सकता, तुम ही ले आना। फिर मैंने मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ऐसी थी, तो मैं अपना खाना जो बना रही थी उस टाइम में खाना बंद किया, स्कूल लेने गई मैं, और लेके फिर अपना खाना पीना इन बच्चों को खिलाया, फिर कृष्णा आ गया था उनको खाना पीना दिया, तो पूरा टाइम ही नहीं लग पाया। और अभी लाइट आई थी तो फिर इनके कपड़ों पे मैंने प्रेस करी, इनके पे, पापा के पे, और बस अभी ये कर रहा है अपना होमवर्क ट्यूशन का, फिर शाम को ट्यूशन जाना से 4 बजे। कृष्णा थोड़ी देर लेट गया है क्योंकि वो भी अब बोल रहा था मम्मा मुझे 3:30 बजे करीब 4 बजे जगा देना, तो वो भी पढ़ाई करेगा, फिर उसको भी ट्यूशन जाना है 6:15 करीब, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अभी जो है वीडियो स्टार्ट हो गया है, कल से चला आ रहा है, कल रात से, तो अभी थोड़ी देर मैं भी लेटूंगी क्योंकि मैं भी थक रही हूँ, थोड़ी देर ही लेटूंगी क्योंकि इसको भी अभी मुझे होमवर्क वगैरह देखना है क्या कराना है, पहले इसका कराऊंगी काम वाम, उसके बाद थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि 4 बजे से फिर ट्यूशन जाएगा, कृष्णा को भी 3:30 बजे उठाना है, तो फिर मेरा तो हो गया नींद, कुछ नहीं हो पाती। और बिंदी देखिए, बिंदी छूट गई, बिंदी तो रहती नहीं है माथे पर, चलिए पहले बिंदी लगाती हूँ मैं। तो जी शाम को बस थोड़ी देर लेट करके मैंने कृष्णा को जगाया, उसके बाद बनाई चाय, राघव जा चुके हैं ट्यूशन, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़ों की तय। ये मेरे जो कपड़े हैं वो परसों के हैं, यानी नहीं कल के हैं, सॉरी परसों के नहीं कल के हैं,
कपड़े अभी ऐसे ही सूख रहे हैं, कभी इधर से उधर से सारे इकट्ठा करके ले आई हूँ और यहाँ बैठ कर के कर रही हूँ कपड़ों की तय, क्योंकि आज मुझे और भी शाम को कई सारे काम करने हैं। एक तो मेरा जो मलाई रखी हुई जमी हुई वो मुझे चलानी है, और ये सब्जियाँ लेकर के आए हैं वो मुझे खाली करनी है। आज ये सब्जी बहुत अच्छी जमुना की साइड से लेके हैं, जमुना पार से, तो बड़ी ऑर्गेनिक सब्जी है, बहुत ही अच्छी, तो वो मुझे बस खाली करनी है। इसमें पालक बैगन वगैरह ये लाए थे तो वो सब चीज़ मैं करके रखूँगी, और राशन का सामान भी आज लेकर के आए थे तो वो भी मुझे आज खाली करना है। तो काम बहुत सारा है मेरे पास अभी, और देख सकते हैं मेरी पूरी किचन मतलब भरी भरी सी लग रही है, क्योंकि यहाँ क्या है ना, अभी गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था वो मैंने रख दिया है इधर ही, और ये जो मलाई निकाल के रख दिया है बाहर, और यहाँ पे सामान है ना वो मैं खाली कर रही हूँ, जिसमें कि छोले आए थे, चीनी आई थी, क्योंकि मेरा कोई ऐसा नहीं होता कि महीने का ही होता है, जो जो सामान मेरा ख़त्म होता जाता है वो आता जाता है। जैसे चीनी 10 किलो ये लेके आए हैं, और बाकी बेसन, हल्दी, कुछ कुछ जो सामान ख़त्म हुआ वो मैंने मंगा लिया था, तो मैं भी एक पैकेट ही खाली कर लूँगी डब्बे में। इससे ये रहता है कि अपना जब छोटे डिब्बे में रखती हूँ मैं डेली के लिए, और बड़ी बड़ी चीज़ों को ऐसे तेल वगैरह भी मैं बड़ी बड़ी कट्टियों में रखती हूँ, और छोटे छोटे बर्तन में यानी एक बोतल वगैरह में खाली मैं कर लेती हूँ, जैसे कि एक फैला फाली ना हो। और उसके बाद बस मैं यहाँ पे अभी बैठ गई हूँ, सामान मैंने सेट कर दिया है उसमें, जो स्टील के होते हैं ना उसमें सेट कर दिया है सारा, जो मुझे निकालना था वो निकाल दिया, जो नहीं निकालना था अभी उसको मैंने रख दिया, से वो अभी ख़त्म होने वाला है तो वो मैंने भी रख दिया है। तो बस यहाँ पे बैठ गई हूँ अपनी मलाई लेकर के चलाने के लिए, और यहाँ देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी ना बूंदें शुरू हो गई हैं, शाम के टाइम बूंदें पड़ने लगी हैं। और अभी जब मेरे कपड़े धुलने पड़े हैं इस टाइम आप कहेंगे, तो कपड़े धुलने पड़े हैं आज के, क्योंकि लाइट का मैंने बताया आपको है ही नहीं, पानी भी अभी नहीं था, पानी में अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगी, अभी मैंने डाल दिए हैं क्योंकि टंकी का पानी इतना था, मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों की ड्रेस भी थी तो ड्रेस का धोना बहुत ज़रूरी था इस वजह से। तो यहाँ राघव रो रहा है कुछ काम के लिए, मुझसे बोल रहा है यहाँ मेला लगा हुआ, तो कह रहा है मेला देखने के चलना है, तो मैंने कहा बेटा ऐसे में मेला कहाँ लगेगा, इस चक्कर में रोने लगा वो। और यहाँ पे शाम की आरती मैं तुलसी माँ की करी, नीचे मैं करके आई हूँ, नीचे आरती करके आई हूँ, और मोटर में पानी डाल के आई हूँ, तब जाके नल आई, पानी डाल करके तब नल आई हैं, और यहाँ पर हो रही है आरती। मुझसे किसी ने सब्सक्राइबर ने कहा भी था कि आप तुलसी माँ की शाम को दिया जलाएं, तो ज़रूर दिखना, मुझे वो कमेंट दिख गया तो मैं आज जला ही रही थी, दिल करती हूँ तो मैंने कहा चलो दिखा भी देती हूँ। तो बस यहाँ पे तुलसी माँ की आरती हो गई है, जिन छुपे आरती करनी चाहिए तुलसी माँ की, घी का दिया जलाना चाहिए, तो मैंने यहाँ घी का दिया जो है तुलसी माँ पर जला दिया है, और बस अब मैं अपने करूँगी खाने पीने की तैयारी। तो यहाँ पर बस अभी जो बर्तन थे, हाँ आरती से पहले मैंने ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ, आरती के टाइम पे मैं बर्तन कपड़े ये चीज़ें नहीं करती हूँ। तो जैसे ही नल आ गए थे ना, पानी में लगा के आई थी, नल आ गए थे, तब मैंने ये बर्तन साफ़ किए, क्योंकि बर्तन भी दोपहर के ही पड़े थे। मुझे लग रहा था ना ऐसा होता है कभी कभी कि पानी की दिक्कत रहती है, कि ऐसा ना हो, जिन कामों की निट जाए उनको निठाना चाहिए, जैसे कि देखिए बाथरूम वगैरह के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए पानी ज़रूरी है, बर्तन तो ये और भी हैं, कपड़े भी और भी हैं, तो इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ राघव भी सॉरी कृष्णा भी ट्यूशन से आ गया था, और अभी मैं निकाल रही हूँ सब्जी, ये देखिए मेरी जो बैगन अभी लेके आए थे, कितने अच्छे सुंदर बैगन है ना, बैगन और परवल वगैरह लाए थे, तो ये मैं सब्जी निकाल रही हूँ और इसको लेके जा रही हूँ धोने के लिए, क्योंकि आज मैं अभी बनाऊँगी आलू बैगन टमाटर की सब्जी। और ये छोटे छोटे बैगन होते हैं ना, बड़े टेस्टी होते, एकदम सॉफ्ट वाले बैगन थे, बहुत ही अच्छे, तो बस इसको मैं धो रही हूँ पानी में, क्योंकि बैगन को और टमाटर को और हरी मिर्च को एक साथ में ले आई थी, अब धो के अब मैं बनाऊँगी खाना। तो जी मैंने चढ़ा दिया है कुकर गैस पे, और हाँ वो कौन सा है, हिराशी कुकर में से चने निकाल दिए, खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया वो वाला एकदम याद आ गया मुझे। तो मैंने खाली चढ़ाया, फिर उस पर डाल दिया है तेल, और थोड़ी सी प्याज यहाँ पे मैंने चॉपर में कर ली है, डाल दिया है हींग जीरा, धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था तो वो भी मैंने इसमें कर लिया है, और यहाँ हींग जीरा डालने के बाद डाली है मैंने इसमें प्याज, तो प्याज के साथ ही मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी काट ली है। तो आलू बैगन टमाटर की सब्जी मैंने आपके साथ कई बार शेयर करी है, बड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी सी ऐसी बनाती हूँ मैं, हल्की सी, ना एकदम सूखी ना एकदम गीली वाली, मतलब अच्छी लगती है। तो प्याज भुनेगी तब तक काट लूँगी टमाटर, मैं जो आलू बैगन टमाटर की सब्जी में ना टमाटर अच्छे डालती हूँ, कई सारे डालती हूँ, 4-5 टमाटर होने चाहिए, जिससे कि टमाटर का खट्टापन अच्छा आ जाए, अगर बड़े बड़े हैं तो 3 चल जाते हैं, और मीडियम है तो 4-5 ऐसे,
तो उससे खट्टापन अच्छा आता है, सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने एक मसाले ऐड कर दिए, धनिया मिर्ची हल्दी नॉर्मल वाले मसाले, थोड़ा नमक भी डाल दिया। इसे टमाटर गल जाएंगे, तब तक टमाटर गलेंगे तब तक हमारी बैंगन भी कट जाएंगे। अच्छा बैंगन का ना मैं ये ऊपर का डंठल जो होता है वो मैं नहीं कटती हूँ, वो सब्जी में ही डाले रहती हूँ। तो यहाँ मेरे ससुराल में ये चीज़ बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छी लगती है, कहते हैं इसको मत काटा करो। मैं पहले काट दिया करती थी, जब मेरे मायके में तो काट देते हैं लेकिन यहाँ नहीं कटते। तो बड़ा अच्छी सी बहुत ही अच्छे बैंगन थे, एकदम सॉफ्ट वाले। तो बस साथ में बैंगन भी डाल दिए हैं और काट दिए हैं मैंने आलू। तो बस फटाफट सब्जी तैयार हो जाएगी। और यहाँ कढ़ाई में भुना रखा है मेरा वो सॉरी क्या बोलते हैं सौंफ, हल्का सा मैंने सौंफ को भून दिया था क्योंकि मुझे पीसना है सौंफ को, वो अभी इन दिनों सीधी सीधी सी हो जाती है ना। तो बस यहाँ पे मसालेदानी का काम ख़त्म और खाना पीना भी मेरा बन गया था, रोटी बन गई थी। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ दूध, मेरी गैस स्लेप सब साफ़ हो गई, बर्तन साफ़ हो गए, बस यहाँ रह गया दूध का काम। तो दूध मैं लेके जा रही हूँ नीचे ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए और मम्मी पापा के लिए। तो चलिए नीचे भी ठाकुर जी को सुलाएंगे, उनका भोग लगाएंगे और तब जाके देखिए मैं आ गई हूँ लड्डू गोपाल जी के पास। रख दिया है मैंने भोग का दूध और यहाँ लगा देंगे पर्दा, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे उसके बाद हम इनको सुलाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इनको भोग लगा के दे दिया है मम्मी पापा को दूध, और यहाँ ठाकुर जी का श्रृंगार उतारेंगे और उसके बाद बिस्तर मैंने लगा ही दिया था। तो यहाँ ठाकुर जी को हम सुला देंगे, पंखा है इसे हवा कर देंगे थोड़ी देर, ऐसे ही मैं सुला देती हूँ, कभी कभी इनके कपड़े भी चेंज कर देती हूँ। बिंदी कहाँ छूट गई, कहाँ चली गई, पसीना आवा तो मैं पूछो ही मत। बस जी मैं भी दूध वगैरह करके दे के आई हूँ और नीचे मम्मी पापा को भोग लगा दिया ठाकुर जी का, सारा काम हो गया है फिनिश। और रघु अभी अपने काम में लगे हैं मैथ के में, कितना रह गया है अभी अभी है? इसका मैथ का थोड़ा सा काम रह गया है और राघव कृष्णा भी खाना खा रहे हैं, कृष्णा के पापा भी आए नहीं हैं तो अभी खाना भी नहीं खाया हम लोगों ने। तो चलिए अभी इस वीडियो को एंड करूँगी, अभी ना मुझे कपड़े पे प्रेस करने हैं, रुक जाओ अभी। तो अभी मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं, बच्चों की ड्रेस, बाकी दिन में तो किए थे क्या था ना कि पानी था नहीं, मैंने आपको बताया था दिन में तो लाइट नहीं थी तो पानी के चक्कर में मैंने कपड़े धोए नहीं थे, मैंने कहा ऐसा वो ड्रेस गला दी थी, अब डर लग रहा था कि ना वो पानी ख़त्म हो जाए। तो फिर जब पानी आया तब मैंने कपड़े धुले, ड्रायर कर दिए, सूख गए, बस प्रेस सुबह अभी सुबह के लिए नहीं रखूँगी क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, अभी लाइट आ रही है तो प्रेस भी करके रख देती हूँ अभी ड्रेस पे, क्योंकि ड्रेस बहुत ज़रूरी है भाई और ऐसी बिना प्रेस के अच्छी भी नहीं लगती है। तो बस अभी प्रेस करके अभी रखूँगी और बस अभी इस वीडियो का एंड भी करेंगे क्योंकि कल से जला रहा है इसी टाइम से। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे राधे, गुड नाइट।